इस न्यूज़ बुलेटिन के प्रायोजक हैं बर्गो कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण एवं रियल एस्टेट की एक विश्वसनीय संस्था। संपत्ति में निवेश, संपत्ति के उचित मूल्य में विक्रय और भवन निर्माण के लिए संपर्क करें। फोन नंबर 8602000701। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। हमारी आज की खास रिपोर्ट भोपाल के वार्डों की समस्याओं पर है। उससे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। वार्ड नंबर 11 अपनी खस्ता हालत पर आंसू बहा रहा है। वार्ड नंबर 34 में जगह जगह कचरे के ढेर नजर आते हैं। वार्ड नंबर 40 में बिजली और पानी से परेशान होते लोग। और वार्ड नंबर 56 खराब सड़कें और गड्ढे, धूल मिट्टी से बीमार हो रहे हैं लोग। आइए अब समाचार देख लेते हैं विस्तार के साथ। नगर निगम के अन्य वार्डों की तरह ही वार्ड नंबर 11 अपनी खस्ता हालत पर आंसू बहा रहा है। आलम यह है कि यहाँ पर ना तो सड़क ठीक है और ना ही कचरा फेंकने के लिए कंटेनर। इतना ही नहीं, नालियों का गंदा पानी नालियों के चोक होने के कारण सड़कों पर बह रहा है। ये नजारा है राजधानी के नगर निगम के वार्ड नंबर 11 का और इस वार्ड के पार्षद ही मनोज मालवीय। यहाँ के रहवासियों का कहना है कि वार्ड की समस्याओं को लेकर वो कई बार पार्षद समेत निगम अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, बावजूद इसके वार्ड की कोई समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है। आलम यह है कि कचरा फेंकने के लिए कंटेनर तो हैं, लेकिन कचरा उठाने नगर निगम का वाहन नहीं आता, जिसके कारण कचरा कंटेनर से बाहर आने लगा है। इतना ही नहीं, निगम कर्मचारी भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कचरा उठाने के बजाय कंटेनर में पड़ा कचरे में ही आग लगा देते हैं, जिससे पर्यावरण में वायु प्रदूषण फैल रहा है। मेरे मंदिर है, मंदिर के सामने मेरे गंदगी बहती है और मेरे हिंदू मुसलमान सब आते हैं। वहाँ खड़े होने की जगह नहीं है, गंदे पानी के मारे कीचड़ मार रोड वाले लड़ाई करते हैं। और मालविया से बोलो तो मालविया बोलता, बड़े बड़े अधिकारी से बोल दो मुझे कोई मतलब नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ। ये समस्या है, गटर का पानी आता है ना, बच्चे खेल सकते हैं ना, बाहर निकल सकते हैं, अंदर बाहर हो सकते, इतना गंदा पानी आता है, पूरे नलों में गड्ढों में पानी, गंदा पानी। शिकायत करी है आपने? शिकायत करी तो दो तीन बार शिकायत। क्या बोलते हैं? देख के चले जाते, साफ एक दिन साफ करवा देते हैं। समस्या का अंबार यहीं खत्म नहीं होता। इस वार्ड में कचरे के अलावा सड़क की भी बड़ी समस्या है। यहाँ की सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, तो वहीं नालियों के चोक होने से गंदा पानी स्थानीय रहवासियों के घरों में घुस रहा है। रहवासियों ने पार्षद पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय पार्षद वोट मांगने के लिए दर दर भटकते हैं, लेकिन जीतने के बाद समस्याओं को सुनने और उनके निराकरण के लिए पार्षद ने आज तक अपनी शक्ल नहीं दिखाई है। यहाँ पे मनोज मालवीय जी से कई बार हम लोग शिकायत कर चुके और उसका कोई निराकरण नहीं निकल रहा। 2006 में जो बाढ़ आई थी वो खंभे के ऊपर तक पानी बह रहा था, और अभी 20 अगस्त को सीएम साहब शिवराज सिंह चौहान जी आए थे तो हमने महापौर जी को बुलवाया, वो भी किसी काम में नहीं आई। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि महापौर को यहाँ आमंत्रित करूँ और अगर समस्या का हल नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री का घेराव करूँगा। यह समस्या सिर्फ वार्ड नंबर 11 के रहवासियों की ही नहीं है, इसी तरह अन्य वार्डों के रहवासी भी परेशान हैं। हम फिर हाजिर होंगे अगली बार फिर किसी दूसरे वार्ड की जिन समस्या को लेकर। आरजी न्यूज भोपाल। राजधानी भोपाल का वार्ड नंबर 34 शहर के बीचों बीच स्थित है। पुराने शहर में आने वाले इस वार्ड में कई समस्याएं हैं। कई जगह सड़कें बेहाल हैं तो कई जगह कचरे के ढेर लगे नजर आते हैं। वार्ड के लोगों ने इस बारे में कई बार इसकी शिकायत पार्षद से की, लेकिन पार्षद महोदय समस्याओं को सुलझाने का केवल आश्वासन देते हैं। राजधानी भोपाल का वार्ड नंबर 34 पुराने शहर की घनी बस्तियों में आता है। यहाँ पर ज्यादातर तंग गलियां हैं जिसमें लोग बरसों से रहते आ रहे हैं। वार्ड की जनसंख्या लगभग 45,000 के आसपास है। यहाँ पर लगभग 19,000 मतदाता हैं। कॉलोनियां 14 हैं, ट्यूबवेल 18, कंटेनर 21, सरकारी स्कूल 1, शासकीय अस्पताल 1 और लगभग 25 सफाई कर्मचारी हैं। यहाँ पर जन सुविधा केंद्र 1 भी नहीं है। इस वार्ड में बरखेड़ी, अहिर मोहल्ला, पात्रा रोड, कोलीपुरा, नीलम कॉलोनी जैसे क्षेत्र आते हैं। वार्ड क्रमांक 34 के अधिकांश क्षेत्र की सड़कें
पुराने शहर से रायसेन रोड जाने वाले रास्तों को जोड़ती है। इसके बाद भी इस वार्ड में सड़कें नहीं सुधारी गईं। बरखेड़ी का यह रोड बहुत ही जर्जर हालत में है, जहां से लोगों का निकलना दूभर है। इस रोड पर व्यवसाय करने वालों का कहना है कि रोड की खस्ता हालत से वातावरण दिन भर धूलमय बना रहता है और व्यवसाय पर भी काफी असर पड़ता है, इसलिए इसे जल्द से जल्द सुधरवाना चाहिए। सर, हमें तकलीफ इस बात से है कि आज संयोग से पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा महापौर भी बीजेपी से है और मुख्यमंत्री भी हमारे बीजेपी के हैं, पार्षद, विधायक, सांसद सब बीजेपी से हैं। इससे पहले क्या होता था कि महापौर कांग्रेस से है, विधायक सांसद बीजेपी के हैं, तो हमारी बात कुछ सुनता नहीं था। इतना सब कुछ होने के बाद भी इस रोड पे रोड के कुछ अवशेष बचे हुए हैं, पूरी रोड यहाँ से उखड़ चुकी है और हम बाकायदा जाते हैं, हमारे जो प्रतिनिधि हैं अपना पार्षद जी और सबसे बोला हमने, अपना विधायक जी आए थे ध्रुव नारायण सिंह जी, हमने उनसे बोला कि साहब ये रोड बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है, तो बराबर आश्वासन देते जा रहे हैं कि आपका 15 दिन महीना भर में ये रोड ठीक हो जाएगा। वहाँ आप गंदगी आप खुद देख सकते हो, आप इसको देखें पीछे गंदगी बढ़ी हुई है, यहाँ स्मेल आ रही है, ये पूरे रोड देखिए आप, इधर आप एक बार कैमरा करके आप देखो, आपको खुद लगेगा कि कितनी गंदगी है यहाँ पे। रोड इतने कच्चे हैं, यदि पानी गिरता तो पूरे तालाब बन जाता है। यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं उनके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, धूल डस्ट 24 घंटे उड़ रही है यहाँ पे, बताइए क्या किया जा सकता है इसका। अच्छा, इस बारे में पार्षद से मिले कुछ? पार्षद जी से बोला है, पार्षद जी से बोला, बट उनका कमिटमेंट ये होता है कि भाई हो रहा है, चल रहा है, हमें नहीं मालूम क्या क्या उनके साथ दिक्कत है, मतलब वो सिर्फ वादा करते हैं, ये नहीं बता पा रहे हैं कब तक होगा, क्यों नहीं हो रहा है। इस वार्ड के सभी क्षेत्रों में गंदगी की भी काफी भरमार है और नालियां जर्जर होने से चारों ओर गंदगी पसरी रहती है। कचरा घरों के आसपास साफ सफाई न होने से वो फैला रहता है, जहां पर मच्छर मक्खी पनपते रहते हैं और बीमारियों को जन्म देते हैं। शासकीय स्कूल के सामने और वाचनालय की दीवार से लगाकर कचरा घर बना दिया गया है। यहां पर कोई कंटेनर भी नजर नहीं आता जिसमें कचरे को डाला जा सके। रहवासियों का कहना है कि इन सभी समस्याओं को दूर करने का जिम्मा पार्षद का है। यह वार्ड कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। रहवासियों का कहना है कि मौजूदा पार्षद ने चुनाव के वक्त कई वादे किए जो आज तक पूरे नहीं हुए। कई वार्ड वासियों का कहना है कि हमने अभी तक क्षेत्रीय पार्षद को नहीं देखा, वो कभी वार्ड की समस्याएं जानने के लिए बाहर नहीं निकलती। लोगों का कहना है कि कई जगह रात में स्ट्रीट लाइट्स बंद रहती हैं और कहीं कहीं पर पानी भी नहीं आता। यहाँ पर एक मंदिर है जो कि खस्ता हाल हो चुका है, जिसकी परवाह भी पार्षद ने अभी तक नहीं की। भाई यहाँ तो दिन भर यहाँ आए दिन पानी का लीकेज होता रहता है और गंदगी वगैरह बनी रहती है रोडों की, तो आप हालत देख ही रहे हैं। और बाजू में मंदिर है, वो भी जर्जर स्थिति में है, तो उसका भी अगर कुछ होता है तो अच्छी बात है। सही, क्या परेशानी है आपको? हमारे वार्ड में ना है ना बिजली है, साफ सफाई नहीं होती, कर्मचारियों तो साफ सफाई कर दो, साफ सफाई नहीं करते कर्मचारी, और है ना उसका ने जाओ के बाद ये काम करा दो तो भगा देती है पार्षद। और क्या, और है ना अपने ये नाली माली साफ नहीं होती बिल्कुल भी। नहीं, वार्ड में तो जैसे था कि वार्ड 34 में अभी मेरे बरखेड़ी क्षेत्र में काफ़ी हद तक विकास के कार्य हुए हैं। अधिकतर वार्ड की गलियां देखो सभी सीसी हैं, साफ है, अधिकतर में पेविंग ब्लॉक लगे हैं। और अपनी पानी की जो समस्या थी वो पिछले साल भी हुआ था कि कोई शिकायत नहीं आई थी, इस साल भी एक दो जगह थी कि जहाँ पानी का प्रेशर कम आ रहा था, वो भी अपन ने गर्मियाँ शुरू होने के पहले ही पाइपलाइन डलवा दी है, पूरी व्यवस्था हो गई है और जो अपना नियमित साफ सफाई व्यवस्था वो चली रही है। और वार्ड की जो सबसे बड़ी दिक्कत थी अपने मेन जो रोड था उसका, हमारा जो एक्सटॉल कॉलेज से लेके पात्रा रोड तक का था, डामरीकरण का पूरा प्लस नाली का, उसका वर्क ऑर्डर जारी हो गया है। हमारी तो कोशिश ये थी कि होली के पहले पहले हो जाए, अभी भी कोशिश ये है, पर उनके जो मेन अधिकारी हैं वो अभी थोड़ा भोपाल से बाहर गए हुए हैं तो मेरी बात नहीं हो पाई है। जहाँ तक ही अपने ये मार्च के 30-31 तक वो काम भी पूरा हो जाएगा। बहुत जर्जर है। आपको गाड़ी कहाँ अटक रही है, क्या बात है, किस वजह से? वो ये था कि अपने मेन, अपने जो इतनी बड़ी रोड का है वो पार्षद उससे तो हो नहीं सकता था। हेड ऑफिस कोटे से हमने करा, माननीय महापौर जी और माननीय विधायक जी के काफी सहयोग से अब वो सेंशन हो गई है, उसका वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया है, पर कुछ कारण से लेट हो गया था वरना अभी तक ये हो जाती। अब ये है कि 30 तारीख तक ये रोड अपनी पूरी डल जाएगी। अब वो तो कभी हाँ स्ट्रीट लाइट में दिक्कत है, स्ट्रीट लाइट में थोड़ी दिक्कत है। आज हमारी जोन की मीटिंग थी, मैं भी वहीं से आ रही हूँ, वहाँ भी हमारा मुद्दा था, जो हमारा निगरा है अयूब खान
वो उसमें बहुत दिक्कत दे रहा है। हमारे एई साहब जो है बलविंदर सिंह जी, उनका काफी सहयोग है और वो पूरा सामान पूरा मटेरियल इशू कराते हैं। उनने आज हमें पूरा चालान दिखाया कि इस डेट पे हमने दिया है सामान, उसके बावजूद भी वो सामान कहाँ जाता है वो निगरान नहीं बता पाया, ना वो वार्डों में लगा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है। तो हमने अभी जोन समिति में पास किया, या तो हमें दूसरा निगरान दिया जाए या फिर व्यवस्था उसको सुधारी जाए। लाइट की दिक्कत है हमारे पूरे जोन में, एक वार्ड नहीं पूरे जोन में दिक्कत हो रही है। कार्रवाई के लिए हमने अब जोन समिति में दिया है तो उसको हटा के हमें दूसरा दिया जाए या फिर उसको हिदायत दी जाए कि कार्य व्यवस्था सुधारे अपनी। अब हमने अपनी तरफ से लिख के दे दिया, कमिश्नर साहब से भी डायरेक्ट बात हुई थी, उनने भी कहा हम इसमें काम देखते हैं क्या कर सकते हैं। पड़ा रहता है बहुत कचरा भैया, लिली टॉकीज के पीछे वाला जो घूरा, ये 3-4 स्पॉटों का एक जगह तो फिर गाड़ी आके अपना लेके जाती है। अब ऐसा है कि गाड़ी कभी सुबह 10 बजे भी जाती है, कभी 11, उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे लेट हो जाता है। फिर आज मेरी एचओ साहब से बात हुई, गाड़ी अपनी व्यवस्थित डेली आती है, डेली कचरा उठता है, और थोड़ी बहुत अव्यवस्था तो फिर आप भी जानते हैं कि आम पब्लिक के उससे भी होती है कि घूरा उधर है पब्लिक इधर डालती है, तो फिर पूरे रोड पे तो अव्यवस्था फैलती है। बाकी सफाई व्यवस्था ठीक है अपनी, नहीं ये गलत है, ये गलत है उनका कहना, नहीं नहीं ये कहना गलत है, नहीं ये उनका कहना गलत है। मैं बाकायदा अपने समय से मिलती हूँ, जो भी पब्लिक आती है डायरेक्ट फेस टू फेस बात करती हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुल मिलाकर अभी इस वार्ड में कई काम किए जाने बाकी हैं, जिससे लोगों को सुविधा मिल सके और यह वार्ड एक आदर्श वार्ड के रूप में सामने आ सके। आरजी न्यूज भोपाल। और अभी तक के समाचारों में वक्त हो चला है ब्रेक का, इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बर्गो कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण एवं रियल एस्टेट की एक विश्वसनीय संस्था। संपत्ति में निवेश, संपत्ति के उचित मूल्य में विक्रय और भवन निर्माण के लिए संपर्क करें। फोन नंबर 8602000701। शहर में महिलाओं का आधुनिक शोरूम हाई स्टाइल कलेक्शन, जहां मिलेगी महिलाओं की संपूर्ण रेंज, डिजाइनर साड़ी, लहंगा चुन्नी, सलवार कुर्ती, जींस टॉप और अंडर गारमेंट्स भी। यहाँ मिलेगा एक अनोखा कलेक्शन और उत्तम क्वालिटी की वेराइटीज। 10 नंबर बस स्टॉप, आर्य समाज मंदिर के पीछे, नालंदा स्कूल रोड, भोपाल। एक बार अवश्य पधारें। फोन नंबर 8602000701। आरजी न्यूज के शुभारंभ पर कांग्रेस विधायक दल की तरफ से, मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से, आम जन की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदेश में एक अपनी नई पहचान आप आने वाले समय में बनाएं, यही शुभकामनाएं आपकी। आरजी न्यूज चैनल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का प्रारंभ हो रहा है, मेरी बहुत शुभकामना है, मंगल कामना करता हूँ और ये सफल रहेगा, समाज के सब वर्गों की आवाज़ को उठाएगा, सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को गांव-गांव घर-घर तक पहुंचाएगा, ऐसी उम्मीद करता हूं और सही चौथे स्तंभ के रूप में ये काम करेगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। देखिए राष्ट्रीय गरिमा आरजी न्यूज जिस तरीके से शुरू हुआ है, हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बधाई देते हैं और कामना करते हैं कि लोग इसको देखेंगे और इससे अपना जो आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक उत्थान मध्य प्रदेश का हो सकता है उसमें अपना पूर्ण सहयोग देंगे। आरजी न्यूज़ को मेरी बहुत बहुत शुभकामना है, आरजी न्यूज़ राष्ट्र में तेज़ी से प्रगति करे, जिस तरह दुनिया आगे बढ़ रही है आरजी न्यूज़ भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाते हुए तेज़ी से आगे बढ़े और इस राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र की जनता के लिए ऐसी आवाज़ उठाए जिस जो सशक्त ढंग से लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं चाहूँगा आपकी आरजी न्यूज़ बहुत तेज़ी से प्रगति करे। शहर में महिलाओं का आधुनिक शोरूम हाल स्टाइल कलेक्शन, जहाँ मिलेगी महिलाओं की संपूर्ण रेंज, डिजाइनर साड़ी, लहंगा चुन्नी, सलवार कुर्ती, जींस टॉप और अंडरगारमेंट्स भी। यहाँ मिलेगा एक अनोखा कलेक्शन और उत्तम क्वालिटी की वैरायटी।
हमारा पता है 10 नंबर चौक आर्य समाज मंदिर के पीछे, नालंदा स्कूल रोड, भोपाल। एक बार अवश्य पधारे। हमारा फोन नंबर है 8602000701। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बर्गो कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण एवं रियल स्टेट की एक विश्वसनीय संस्था। संपत्ति में निवेश, संपत्ति के उचित मूल्य में विक्रय और भवन निर्माण के लिए संपर्क करें। फोन नंबर 8602000701। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पुराने शहर का वार्ड नंबर 40 एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। ये वार्ड एक तरफ चिकलोर रोड से जुड़ा है, दूसरी ओर बोगदा पुल से। यहाँ पर रहवासियों ने अपनी पानी, बिजली, कचरे की समस्याओं से आरजी न्यूज की टीम को रूबरू करवाया है। वहीं पार्षद ने वार्ड के साथ नगर निगम के अधिकारियों द्वारा भेदभाव का आरोप लगाया है। पुराने शहर का वार्ड क्रमांक 40 एक घनी आबादी वाला वार्ड है। एक तरफ यह नेशनल हाईवे 12 से मिलता है तो दूसरी ओर यह बोगदा पुल और भारत टाकीज जाने वाले लंबे मार्ग को भी छूता है। इस वार्ड में करीब 1.5 दर्जन कॉलोनियां हैं, जिसमें बरखेड़ी, पुरानी लक्ष्मीगंज गल्ला मंडी का एरिया, गुरुद्वारा लिली टाकीस के आसपास का क्षेत्र, रशीदिया स्कूल वाला क्षेत्र, बाल्मीकि मोहल्ला, जोगीपुरा, अहिरपुरा, आता कल्ला शाह शामिल हैं। वार्ड में करीब 33,000 के आसपास आबादी है। हैंडपम्प 12 हैं, ट्यूबवेल 5 है, कचरा कंटेनर 7 हैं और लगभग 29 से 30 के बीच सफाई कर्मचारी हैं। इस वार्ड के कुछ क्षेत्रों में पानी की समस्या है, जहाँ पर पानी बहुत कम आता है और मुश्किल से मिल पाता है। प्रेशर भी कम है, कई जगह पाइपलाइन टूटी हुई है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। बापू कॉलोनी के लोगों ने बताया कि उनके क्षेत्र में पानी की समस्या है। कई जगह कॉलोनियों की सफाई नहीं होती, कचरा जमा रहता है, नालियों पर पटिये बेतरतीब रखे हैं, जिससे आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। परेशानी है, गंदगी होती है, कोई साफ सफाई नहीं आता और पानी की भी व्यवस्था नहीं होती और परेशानी होती है। और हम ही लोग नाली मोरी निकालते, ना सड़क बनती है ना कुछ, जगह जगह नल टूटे पड़े। हमको जो परेशानी, गंदगी, मच्छर सभी हो रहा है। 8-8 दिन होते हैं, नल भी नहीं आ रहा, पानी भी नहीं आ रहा है। उसके बाद हम खुद जान के खोलते हैं, फिर बंद करके आते हैं, क्योंकि हमारी परेशानी है। नालियों की सफाई नहीं हो रही, दरोगा से क्या, दरोगा कहता हमारा वार्ड नहीं लगता, अनवर भाई का वार्ड लगता, उस चक्कर में हम बोल नहीं पाते, क्योंकि हम लोग खुद अपने हाथों से सफाई करते हैं। और हमारे यहाँ कम से कम 20-21 दिन हो गए नल नहीं आ रहा है, पानी की बहुत परेशानी होती है। अगर ये हैंडपम्प नहीं होता हमारे यहाँ तो बहुत लोग परेशान होते हैं, इसे ही पानी भरते हैं सुबह और शाम। और एक दिन बीच आता है, वो भी 7 बजे बंद कर देते हैं, है ना। और लाइट की वजह परेशानी है कि अंधेरे में जला देते हैं और सुबह जल्दी बंद कर देते हैं। और ये आते हैं सफाई वाले, देखिए आप ये कितना गंदा हो रहा है, आते हैं 2-1 दिन में कचरा नहीं उठाते, झाड़ू लगा के चले जाते हैं, कचरा पड़ा रह जाता है। अनवर भाई को तो हमने कभी तक देखा नहीं है, बाई चांस कभी जाते हैं, हाँ चलो हम आ रहे हैं, चलिए हम आ रहे हैं, ये कह के भगा देते हैं। और गरीबी रेखा के राशन कार्ड के लिए काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, फार्म भर के ले गए, अभी तक बना के नहीं दिया। जोगीपुरा में कचरे का ढेर लगा रहता है। यहाँ पर कचरा घर के आसपास बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर लगा है। कचरे में आए दिन कोई आग लगा जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर में आग लगने का अंदेशा हमेशा बना रहता है, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। साथ ही यहां पर एक घर से सटा हुआ बिजली का खंभा लगा है, जिसको सपोर्ट देने के लिए एक तिरछा पोल लगा दिया गया है, जिसमें आए दिन करंट आता रहता है। यहाँ के रहवासियों का कहना है कि इस बिजली के खंभे को अलग हटाकर लगाना चाहिए, जिससे दुर्घटना होने का भय ना हो। ये खम्मा जो दिख रहा है यहाँ पे, इधर आए दिन यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता रहता है और कई बार आग लगने की संभावना भी हुई है। और करंट तो आता ही रहता है, अर्थिंग तो मारता ही रहता है, और हम बहुत परेशान हैं इससे। हम चाहते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के इधर लग जाए, और वो वहाँ पे जो घोड़े के पास जो ट्रांसफार्मर लगा है, वहाँ पे आए दिन चिंगारियाँ उचकती हैं, जो कचरे में चिंगारियाँ गिरती हैं, तो उधर आग लगने की वहाँ पे भी बहुत संभावना रहती है। कई बार फिर हम लोग बिजली वालों को बुलाते हैं, फ़ोन करते हैं, तब वो आते हैं, फिर वहाँ पे वो देख रेख करते हैं, इसके बाद में वो सब होता है। इन सब समस्याओं के बारे में जब क्षेत्रीय पार्षद अनवर खान से बात की गई तो उन्होंने कहा
कि वार्ड में उन्होंने कई काम करवाए मगर फिर भी जो काम नहीं हो पाए हैं उसके लिए नगर निगम के अधिकारी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। हालांकि इसके लिए कई बार उनसे कहा जा चुका है। वो मानते हैं कि वार्ड में कुछ जगह पानी की समस्या है और जो बिजली का ट्रांसफार्मर है उसके लिए भी MPSEB के अधिकारियों से चर्चा की जा चुकी है मगर उन्होंने अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। शायद विभाग के अफसर किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। लगभग 30-35% काम हो चुका मेरे वार्ड के अंदर। क्या 10 साल से किसी ने गौर नहीं करा था वार्ड के अंदर। नाले जर्जर हालत में, पाइपलाइनें सड़ चुकी हैं, गंदा पानी लोग पीते थे। कुछ हद तक तो हमने सुधार कर लिया है। आगे की प्रक्रिया ये है कि विकास के लिए पैसे महापौर दे देंगी करेंगे, विधायक महोदय देते नहीं है। हमारी खुद की नीति ज़्यादा है नहीं, इसलिए नालों का बहुत ख़राब हाल है और पाइपलाइनें चेंज होना है। बाकी रोड तो अधिकतर मेरे गलियों के बन चुके हैं। अब खाली 2 इलाके ऐसे हैं जिनके समस्या ज़्यादा है। एक तो एकता चौरा, दूसरा बड़ईपुरा, तीसरा कुमारपुरा। ये 3 जगह थोड़ा सा काम बचा है तो उसको भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस 15 महीनों के अंदर लगभग कंप्लीट करवा दूँ। हाँ, पानी की थोड़ी सी परेशानी है। क्या है, पानी की जो पाइपलाइन है 30-30 साल से डली नहीं है। 30-30 साल हो गए पर जल कहीं क्रेक हैं, कहीं कुछ है। इस ढंग से हमने आधे वार्ड के अंदर तो पाइपलाइनें बिछ चुकी हैं लगभग। आप देखोगे एकता चौराहे से लेके पानी की टंकी, जोगीपुरा रह गया, ये अपना हाथा कल्ला सा ये जगह मैं डलवा चुका हूँ। बाकी और इस साल के अंदर ज़्यादातर पाइपलाइनें कम्प्लीट करवा दूँगा। वो एक खम्भा ऐसा है कि उन्होंने जो छत डाली है वो बीच में आ गई है। एक सपोर्ट के लिए एक खम्भा लगाया है। मैंने अग्रवाल साहब और अपने यही हिसाब से बोल चुका हूँ, इसके लिए मैं लेटर भी दे चुका हूँ। ट्रांसफार्मर वो भी चेंज होने वाला है, अंदर मैंने खंभे भी लगवा दिए। लगभग इस महीने में शायद वो ट्रांसफार्मर की जो शिकायत है वो भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि मैंने MPB में 3 बार शिकायतें कर चुका उस चीज़ की। अब वो ठेकेदार भग गया, कौन आया था, 200 करोड़ रुपये कहाँ लगाए, कैसे लगाए, समझा। ये जानकारी मैंने ली भी थी उनसे। तो लगभग मेरे वार्ड के अंदर खंभे तो होगा, बाकी काम नहीं हुआ, केबल नहीं खींचे। अधिकारियों का तो ये हाल है, जब से आदरणीय हमारे मनीष सिंह साहब गए, ये कमिश्नर साहब जो आए या तो सीधे हैं या इसको समझ रहे हैं। अधिकारियों को कम से कम 25 फोन लगा जब एक काम होता है। लाइटों का ये हाल है, हमारे इधर एक सरदार जी आए अभी, यही साहब, उनका ने कभी सामान ही नहीं लेता, मेंटेनेंस का सामान नहीं। हम प्रयास कर करके जब जाके 8 खंभे बने तो 2 खंभे चालू करवाते हैं, कहते हैं सामान ही नहीं है। और करोड़ों रुपये ले रहे हैं ये मेंटेनेंस का उसका। अब कहाँ सामान लगा रहा है ये ऊपर वाला जाने, लगा भी रहा है नहीं लगा रहा। हम तो जब भी लगाते हैं फोन के भाई साहब ये लेम बंद है, सामान नहीं है साहब, सामान नहीं है, अभी टेंडर नहीं हुए। और अभी आप देखोगे तो कई टेंडर हो चुके हैं। अब वो उनकी गलतियाँ क्या है, क्या परेशानी है उनकी, कहाँ लगा रहा है, कौन से वार्ड में लगा रहा है, ये जानकारी ज़्यादा मैंने ली भी नहीं है। और कोशिश करूंगा लेने की कि भैया क्यों नहीं हो रहा। प्रयास बराबर करता हूँ, फोन बराबर, कोई सा दिन ऐसा नहीं है कि ये लेम बंद है, ये वो वाला लेम बंद है। कोशिश करना, मेरा काम है, अब अधिकारी कर्मचारी कर दें तो मेहरबानी। पार्षद महोदय का कहना है कि क्षेत्रीय विधायक ध्रुव नारायण सिंह भी इस ओर कोई रुचि नहीं लेते, जिससे विकास के काम रुके हुए हैं। वहीं अगर निगम के अधिकारी भी समय पर कागजी कार्यवाही पूरी करें तो क्षेत्र में विकास के और काम किए जा सकते हैं। RG न्यूज भोपाल। खराब सड़कें और चारों तरफ पसरी गंदगी, कचरा, अविकसित खेल मैदान और लोगों की परेशानी, वार्ड नंबर 56 भी कई समस्याओं से जूझ रहा है और इसका भी बुरा हाल है। यहाँ खराब सड़कें, चारों तरफ पसरी गंदगी, अविकसित खेल मैदान लोगों की मुख्य समस्या हैं, जिनकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। स्थानीय पार्षद से लोगों ने इस वार्ड की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने की अपील की है। राजधानी भोपाल का वार्ड नंबर 56 यूं तो एक पॉश कॉलोनी के रूप में जाना जाता है, मगर यहाँ पर हर तरफ हालात ऐसे हैं जिसे देखकर बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि यह एक विकसित वार्ड होगा। इस क्षेत्र में गौतम नगर, रचना नगर, कस्तूरबा नगर, कैलाश नगर जैसी कॉलोनियां आती हैं। एक तरफ वार्ड नंबर 56 भेल को छूता है तो दूसरी तरफ MP नगर जैसा व्यवसायिक क्षेत्र भी इससे लगा हुआ है। इस वार्ड से चेतक ब्रिज से लगाकर गोविंदपुरा तक लंबी सड़क है।
जो कि इसको दो भागों में विभाजित करती है। इन कॉलोनियों में लोगों के मकान जितने अच्छे हैं वहीं यहां पर उतने ही खराब सड़कें हैं। मेन रोड को छोड़कर लगभग सभी जगह सड़कें बेकार हैं और जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे गाड़ियों को तो निकलने में परेशानी होती ही है, लोगों का निकलना भी दूभर है। सड़कों से उड़ती धूल लोगों को तरह तरह की बीमारियों से घेर रही है। 3 साल से इस कॉलोनी विकास के काम में बहुत पिछड़ा हुआ है। जगह जगह चौराहे पे गड्ढे खुदे हुए हैं, आए दिन टेलीफोन वाले लाइन खोद खाद के छोड़ देते हैं और दूसरे विभाग वाले भी खुदा खादी करके कॉलोनी को डैमेज कर देते हैं, जिसके कारण क्या है, यहाँ के रहवासी हैं बहुत परेशान हैं, जिसमें शाम के टाइम जो बुजुर्ग लोग यहाँ घूमने निकलते हैं तो उनको गाड़ी की धूल से बड़ा सफ़र करना पड़ता है, बीमारियों से अलग पीड़ित हो रहा है। ये सांस की बीमारी, अस्थमा है, डायबिटीज़ है, इसका भुगतना पड़ रहा है उनको। पूरे वार्ड में गंदगी चारों तरफ पसरी रहती है, साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, कचरे के ढेर हर जगह लगे रहते हैं। जहां कचरा इकट्ठा होता है वहां से दिनों उसकी सफाई नहीं होती, उल्टा नगर निगम के कर्मचारी भी यहां वहां से कूड़ा करकट इकट्ठा करके डाल जाते हैं, जिससे कचरे के कंटेनर भर जाते हैं और कचरा बाहर पड़ा रहता है, ऐसे में गंदगी का अंबार लगा रहता है। दिख रहा है ये पार्क मेरा स्वयं का यहाँ पे काम है, मैं इसको साफ सुथरा रखना पसंद करता हूँ घर के सामने। नहीं मगर थोड़ा नगर निगम भी इसमें अगर नहीं, इसमें नगर निगम कोई अच्छे नहीं है इसमें, ना उनकी तरफ से यहाँ कोई सफाई होती, मैं स्वयं सफाई करवाता हूँ। इसी क्षेत्र में जनता कॉलोनी भी है जिसमें गरीब तबके के लोग रहते हैं। इन लोगों को विधानसभा के पास स्थित जेल पहाड़ी से यहाँ लाकर बसाया गया था। आज 16-17 साल होने के बाद भी यहाँ कई मूलभूत सुविधाओं की कमी है, लोगों के घर टूट रहे हैं, नालियां नहीं बनी हैं, और तो और यहाँ की एक सड़क पर दर्जनों गड्ढे हैं, जहाँ पर पानी और कीचड़ मचा रहता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि क्षेत्रीय पार्षद इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते, जबकि उन्हें इस बारे में पता है। ये रोड नहीं बना, साहब परेशानी है, नालियां निकलना चाहिए है, और ये रोड नहीं बना, घर में परेशानी है, ना तो धंधा है ना पानी है, कुछ कैसे खाए, कैसे बच्चों को पढ़ाए लिखाए, कैसे घर में खर्चा करें अपना। के पास गए, यहां आते हैं, हाँ आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, बुलाते हैं तो आते हैं, मगर ये कि वो सुनवाई नहीं होती। अभी समझ लो कि ये रोड भी बताया उनको, और भी नेता लोगों को रोड बताया, देख देख के गए, आज बन रही, कल बन रही, 70 साल रोड ही नहीं बना आज तक। वार्ड में खेल मैदानों की हालत भी खस्ता है, ये उजाड़ पड़े हैं, कोई विकास का कार्य यहाँ पर दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। इन खेल मैदानों में भी जहाँ तहाँ खुदाई कर दी गई है और छोड़ दिया गया है, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ पर आसपास की दुकानों के ग्राहकों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसमें कई असामाजिक तत्व भी शामिल रहते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो वार्ड में कई कार्य होना बाकी है जिस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। आरजी न्यूज भोपाल। और इसी के साथ इजाजत दीजिए और आप बने रहिए आरजी न्यूज के साथ। ज्यादा अपडेट देखने के लिए लॉग ऑन करें www.rgnews.in। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बर्गो कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण एवं रियल एस्टेट की एक विश्वसनीय संस्था। संपत्ति में निवेश, संपत्ति के उचित मूल्य में विक्रय और भवन निर्माण के लिए संपर्क करें। फोन नंबर 8602000701।